सब्सक्राइब कीजिए फ्री हिंदी एडवाइस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। सामान्य रूप से आप सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक के अंतर को समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक जैसे अन्य नेशनल बैंक सरकारी बैंक है और ICICI, एक्सिस बैंक, HDFC जैसे बैंक प्राइवेट बैंक है। सरकारी बैंक जिसे आप नेशनल बैंक भी कहते हैं, उनका नियंत्रण लगभग पूरी तरह से सरकार के हाथ में होता है। उसके विपरीत प्राइवेट बैंकों का संचालन प्राइवेट समूह और किसी प्राइवेट संस्था द्वारा किया जाता है। मूलभूत रूप से दोनों की सर्विसेज और वर्किंग सिस्टम एक समान ही होती है, सिर्फ दोनों के संचालन के तरीके में फर्क होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुख्य रूप से प्राइवेट बैंकों और सरकारी बैंकों के कामकाज के तरीके, कामकाज के समय और अन्य कौन कौन से अंतर होते हैं। निजी बैंक या प्राइवेट सेक्टर के बैंक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, निजी या प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों को संचालित करने का अधिकार किसी प्राइवेट समूह या संस्था के हाथों में होता है और इसका संचालन इस संस्था के बड़े शेयर होल्डर्स या शेयरधारकों के द्वारा किया जाता है। देश में 1990 में किए गए आर्थिक उदारीकरण के बाद प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के संचालन के लिए जरूरी लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने की वजह से प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई है और वर्तमान में देश में कई प्राइवेट बैंक संचालित हो रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के या सरकारी या नेशनल बैंक। सामान्य तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ही सरकारी बैंक, पब्लिक बैंक, नेशनल बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। हमारे देश में प्रमुख रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक व अन्य नेशनल बैंक सरकारी बैंकों की कैटेगरी में आते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कि ऐसे नेशनल बैंकों का पूरा अधिकार सरकार के पास होता है, क्योंकि ऐसे बैंकों के ज्यादा शेयर या हिस्सेदारी सरकार के पास होती है। सामान्य तौर पर सरकारी बैंकों के 50% से अधिक शेयर सरकार के नियंत्रण में होते हैं। कौन से अंतर होते हैं सार्वजनिक और प्राइवेट बैंक में। सार्वजनिक बैंक व प्राइवेट बैंकों में मुख्य अंतर भी वही होते हैं जिन्हें आप पहले समझ चुके हैं, यानी कि पहला अंतर है उनके संचालन अधिकार का। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के शेयर का अधिकतर हिस्सा इसे संचालित करने वाले प्राइवेट संस्था के बड़े शेयर होल्डर्स के पास रहता है, जबकि पब्लिक सेक्टर के बैंकों के शेयर का अधिकतम हिस्सा यानी 50% से अधिक सरकार के हाथों में रहता है। क्या फर्क होता है दोनों के शेयर के भाव में। बैंकिंग क्षेत्र में बैंकों के परफॉर्मेंस और मुनाफे का बैंक के शेयर के भाव पर काफी प्रभाव होता है, और इस मामले में प्राइवेट सेक्टर के बैंक पब्लिक सेक्टर के बैंकों की तुलना में काफी आगे है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का परफॉर्मेंस और मुनाफा पब्लिक सेक्टर के बैंकों से अच्छा होने की वजह से शेयर मार्केट में इनके भाव भी काफी ऊंचे होते हैं और इनमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक की विशेषताएं। प्राइवेट बैंक अपने ग्राहकों को दी जाने वाली कुछ विशेष सुविधाओं के बदले कुछ अतिरिक्त फीस या चार्ज जरूर लेते हैं, लेकिन ग्राहकों के कामों को तेजी से निपटाने और बेहतर सर्विसेज और सुविधाएं देने के मामले में पब्लिक बैंकों से आगे होते हैं। प्राइवेट बैंक ई बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कस्टमर केयर जैसी सुविधाओं के द्वारा ग्राहकों की बैंकिंग प्रक्रिया को काफी आसान बना देता है। पब्लिक सेक्टर बैंक की विशेषताएं। वैसे तो पब्लिक सेक्टर बैंकों में काम को निपटाने में देरी करने, आधी अधूरी सेवाएं व सर्विसेज रुकावट जैसी शिकायतें आम है, लेकिन फिर भी वे कम फीस और चार्जेस से अच्छी सर्विसेज देने का प्रयास करते हैं और अच्छे ग्राहकों का ध्यान भी रखा जाता है। साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंक में लोन पर ब्याज दरों में कुछ कमी मिलती है, और ऐसे बैंकों में जमा राशियों पर ब्याज दरें थोड़ी अधिक होती है, जिससे ग्राहकों का कुछ फायदा हो जाता है। अगर आप इस वीडियो और हमारे चैनल के अन्य वीडियो में दी गई जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट freehindiadvice.com पर जरूर विजिट कीजिए, जिसमें वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट में भी सब जानकारी उपलब्ध है। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जो 100% फ्री है। थैंक यू।